हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल चैनल। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन। और हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। देखो, पादपों के पोषण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन सभी पौधे, सभी पादप ऐसा नहीं कर पाते। कुछ पौधे पादप ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पादपों को और दूसरे जो है कीट पतंगों, कीट मकोड़ों को खाते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं परजीवी। तो अगर हम बात करें तो इस हमारा जो टाइटल है इस वर्कशीट का, वो है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, और ये हमारी 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 है, जिसकी डेट है 16 अप्रैल। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर होते हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं काफ़ी हद तक, तो इसी तरह कुछ और पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। और ये जो हमारा जो खाने प्रणाली है, खाने की, न्यूट्रिशन की, पोषण की, उसको हम बोलते हैं ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। अब ने ये चित्र देखा, यहाँ पे एक येलो कलर का प्लांट आपको दिख रहा होगा, इसको हम अमर बेल के नाम से जानते हैं। आपने आसपास के पेड़ों पर देखा होगा कई जगह ये जो है पीले रंग की बेल जो है मिल जाती है, इसको हम अमर बेल कहते हैं। ये एक तरह का पौधा होता है। तो चित्र को देखें, यह अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं, यानी जिस पे ये लिपटी होती है ना ये अमर बेल, उसी पेड़ से वो अपना खाना लेते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब जिस बेल जो ये बेल होती है अमर बेल, जिस पेड़ पे होती है उसको हम बोलते हैं पादप परपोषी, ठीक है। क्योंकि अमर बेल क्या कर रहे हैं, पादप परपोषी यानी जिस पेड़ पे है उससे अपना पोषक ले रहे हैं, तो इन्हें परजीवी भी कहते हैं। अमर बेल क्या होता है, परजीवी। तो जिस पेड़ पे अमर बेल होते हैं उसको बोलते हैं पादप परपोषी, और अमर बेल को हम बोलते हैं परजीवी। अब इसके ये तो ऐसा पेड़ था, ऐसा पौधा था, ऐसा पादप था जो दूसरे पादप से पोषण ले रहा था, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं से लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पादपों को देखा या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जंतुओं को खाते हैं? ऐसे हैं, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा सकते हैं। ऐसे पौधे हरे भी हो सकते हैं या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे पौधे अपना खाना खुद बना भी सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आप कहोगे कि अब अपना खाना खुद बना सकते हैं तो वो कीटों को क्यों खाते हैं, क्योंकि वो जो खाना खुद बना रहे हैं ना उस वो मतलब इतने पोषक तत्व नहीं है जिससे उनका काम चल सके, वो मर जाएंगे, इसलिए उनको कीटों को खाने की जरूरत पड़ गई ताकि वो पोषण उसको मिल जाए। चित्र के पादपों को देखें तो यहाँ पर चित्र की हम बात करें तो दो पादप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पिचर प्लांट, इसको घटपर्णी पौधा हम बोलते हैं, ये हमारा पौधा है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो पिचर या जग की शेप के होते हैं, इसलिए इसको पिचर प्लांट बोलते हैं। और यहाँ पे एक हमारा पौधा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। अब इसमें क्या होता है, पिचर प्लांट की हम बात करें तो नीचे जो है हेयर्स की, बालों की आकृति होती है जो नीचे की तरफ होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट कीट आया, ये अपना ऊपर की जो लीड है उसको बंद कर लेगा, और डाउनवर्ड्स जो हेयर्स, बालों, बाल जैसी संरचना है उसके उसे नीचे चलता जाएगा कीट, और बाहर नहीं आएगा, फंस गया। अब इसमें जो जूस होते हैं, रस होते हैं, पाचक रस इस पेड़ के, वो उस कीट को जो है पचा लेंगे। सेम वीनस फ्लाई ट्रैप में जैसे यहाँ पे कोई फ्लाई कीट पतंग आएगा, ये अपना मुँह ऐसे बंद कर लेगा, यहाँ पे कीट जो है फंस जाएगा, और बाद में इस पेड़ के जो हमारे पाचक रस है वो उस कीट को पचा लेंगे। तो यही बताया गया है यहाँ पे। चित्र के पादप को देखिए, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ते का रूपांतरित भाग है। यानी कि रूपांतरित पत्तियां, नॉर्मली जो पत्तियां होती है हमारी पेड़ों की लगभग इस शेप की होती है, लेकिन इसने अपनी पत्ती को मॉडिफाई कर लिया है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। यहाँ पे ढक्कन की तरह ऊपर की लीड होती है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि नीचे की ओर ढलकते रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है। अब ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं वो हम क्या करेंगे, कीट बक्सी पादप कहलाते हैं, जैसे घटपर्णी पादप, वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। अब ये क्यों खाते हैं, मैंने बताया था ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यानी ये पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी से वो पूरी तरह पोषण नहीं ले पाते, और उन्हें कीटों से जो है पोषण लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी का नाम क्या है? हमें पता है उसका नाम है अमर बेल। क्या नाम है? अमर बेल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमर बेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये रहा आंसर, अमर बेल।
सेकंड क्वेश्चन, कीट बक्सी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कीट बक्सी के हमारे दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, घटकने वीनस फ्लाईट्रैप, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कीट बक्सी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रहा आंसर। ये पादप कीटों के इसलिए निर्भर है क्योंकि मिट्टी से मृदा से उन्हें जो है पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी व कीट बक्सी पादप द्वारा किस प्रकार का पोषण किया जाता है, तो ये कहते हैं विषम पोषी, क्योंकि दूसरों से लेते हैं ना ये, तो ये विषम पोषी, तो यहाँ पे आएगा हमारा विषम पोषी प्रणाली, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी सातवीं की साइंस की वर्कशीट 3 हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम भी चैनल पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।